स्टूडेंट्स वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था सबसे पहले डेटा लिंक कंट्रोल में सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। देखिए पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल से पहले सबसे पहले एग्जाम आते हैं और वो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है आरएएस। ठीक है, आरएएस किस प्रोटोकॉल का मतलब है कि सर्विस होती है जो कि आपके अलाउ करती है रिमोट क्लाइंट्स को कनेक्ट करती है किसके से सर्विस, यानी कि जो क्लाइंट से हम अगर यहाँ बैठे हैं तो अगर किसी सर्वर से किसी बैंक के किसी भी सर्वर से कनेक्ट होने आप उसमें तो हमारे पास आरएएस सर्विस जो है वो हमें इसको कनेक्ट कराती है। दूसरा, जनरली हमारे पास जो मॉडल होता है उसमें आरएएस बेस्ड सर्विस प्रोटोकॉल होते हैं जिसमें दो आते हैं, सीरियल एसए लाइन और हमारे पास सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल और दूसरा आता है हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो बेसिकली क्या है कि जो हमारे पास आरएएस सर्विस जो हमारे पास बेस्ड है उसके जो प्रोटोकॉल्स है वो बेसिकली दो होते हैं हमारे पास, एस एल आई पी सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल और दूसरा होता है हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। हमें स्टडी करना है खाली पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल को हम ट्रिपल पी से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कहीं ट्रिपल पी लिख रहा हूँ तो समझ जाइएगा ये किसको रिप्रेजेंट करना है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ट्रिपल डी में मीन्स हो गया पॉइंट टू पॉइंट हमारा प्रोटोकॉल होता है। देखिए सबसे पहले जो प्रोटोकॉल होता है हमारा ये एक तरीके से डिफॉल्ट प्रोटोकॉल होता है डेटा लिंक का, जो कि आपके हायर नेटवर्क प्रोटोकॉल के एनकैप्सुलेट होकर के आपको सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन लाइन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जो ट्रिपल पी है बेसिकली इसके अंदर जो होता है इसके अंदर भी एक होता है लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल जो इसे पूरे भी कनेक्शन को क्या करता है, हैंडल करता है, मैनेज करता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास अगर मुझे होम पीसी को जो मेरा आईएसपी है उसके थ्रू अगर मुझे कनेक्ट करना है तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मॉडेम की। और ये जनरली हम अडेप्ट करते हैं कि जो आईपीएस सर्विस जो होती है वो हमारे को जो प्रोवाइड होती है वो डायरेक्ट इंटरनेट होती है। जनरली आप देखेंगे जब भी कभी आप अपनी साइट को खोलेंगे और अपने इंटरनेट के बारे में देखेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट का मतलब ये है कि जो प्रोवाइड हमारे पास डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस के थ्रू हमारे पास जो भी हमारा मॉडल है वो कनेक्ट करेगा हमारे इसको एक सर्वर से आगे। ठीक, ट्रिपल पी का फ्रेम फॉर्मेट होता है जनरली बेसिकली जैसे एचडीएफसी आपका यूज कर रहा था। ठीक है, वही सेम फॉर्मेट हमारे पास ट्रिपल पी का होता है, बट एक इसके अंदर एक एडिशन फील्ड लग जाता है और एडिशन फील्ड जो हमारा है वो है प्रोटोकॉल का। ठीक है, दो डिवाइसेस के बीच में कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है वो चीज बताएगा हमारा कौन सा प्रोटोकॉल फेल। यानी कि जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन किसी को भेजेंगे या कुछ भी करेंगे तो एक प्रोटोकॉल जो है वो चेक करेगा कि उन दोनों डिवाइसेस के बीच में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो क्या डिसाइडेड है हमारे। तो सबसे पहले होता है फ्लैग फ्री। फ्लैग फ्री जैसे हमारा एचडीएफसी क्लेम में होता था बेसिकली क्या है वही हमारे पास है सिमिलर जी के अकॉर्डिंग होता है। इसके पास जो वैल्यू होती है वो होती है 1/25 होता है। देन होता है हमारे पास एड्रेस। एड्रेस फिर क्या होता है जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है यानी कि जहां मुझे भेजना है जो भी रिसीवर है उसमें भी हमारे पास क्या होता है कि एड्रेस फिर हो। अगर मैंने सारे के सारे बंद है यानी कि मान लीजिए मेरे पास 1 बाइट है और सारे बंद नहीं किए हुए मैंने ये सारे वैल्यूज कितने स्पीड में हैडन सारे वैल्यूज बंद है तो इट मीन्स क्या है कि ये सारे के सारे जितने भी स्टेशन है वो हमारे एक्सेप्ट करने को इसे तैयार है। ठीक है, अगर कोई भी क्योंकि ये क्या करता है बेसिकली ये सिंगल एड्रेस नहीं प्रोवाइड करता कि एक पर्टिकुलर मुझे स्टेशन पर भेजना है तो उसका एड्रेस देना है, ये क्या करता है सारी वैल्यूज बंद कर देता है। तो इसका मतलब क्या जो बेसिकली इसका मतलब ये कि सारे के सारे स्टेशन जो है उसे रेडी है रिसीव करने के लिए मतलब उसको क्या कर दिया ब्रॉडकास्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल फिट। कंट्रोल फिट का बेसिकली जैसे हमारे पास अनकंट्रोल्ड फ्रेम का काम हमारे पास वॉल्यूम फ्रेम का कॉन्सेप्ट यूज करता है जो बेसिकली जो हमारे पास ये बेसिकली कनेक्शन इस डेटा लिंक के लिए होता है कि उसमें जो डेटा का फ्लो है वो किस तरीके से होगी क्या करना है कंट्रोल करना है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारे पास प्रोटोकॉल फिट मीन्स नेटवर्क प्रोटोकॉल में क्या चीज फॉलो हो रही है यानी कि किस टाइप का पैकेट जो हमारे पास है वो जाएगा। 1 or 2 bytes का होता है जो बेसिकली आता है आपके पास प्रोटोकॉल डेटा लिंक के साथ आपका एनकैप्सुलेट होता है। तो इसका मेन जो एग्जैक्टली होता है क्या आपका जाएगा एग्जैक्टली क्या कैरी करना है उसे वो सब चीजें हमारे पास इसमें आता है प्रोटोकॉल फिट। देन आता है डेटा फिट। डेटा फिट का वही है बेसिकली क्या होता है जो भी हमारे पास डेटा है पूरा उस फिट के अंदर पूरा डेटा हमारा कंटेन करेगा। देन एब्सेक्यू फिट होता है। एब्सेक्यू का मतलब होता है
ये चेक सब फील्ड होता है हमारे पास जो बेसिकली आदर्श को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। यह हमारा 16 बिट्स भी हो सकता है और 32 बिट भी साइज हो सकता है। ये जनरली हमारे पास जो भी इवेंट जो कैरेक्टर्स हैं जो फ्रेम है जो कि हैंडल करेंगे हमारे पास आदर्श को उस पर डिपेंड करता है। तो अगर हमने क्या किया है टू कैरेक्टर्स कह रहा है तो 16 बिट्स यूज करेगा, 4 कैरेक्टर्स है तो वो कितना यूज करेगा 32 बिट्स यूज करेगा। जनरली अगर हम बात करें पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल की तो जनरली क्या होता है आपके पास डिफरेंट फेसेस होती हैं, ठीक है। फेसेस कौन कौन सी होती हैं, ट्रांजिशन है हमारे पास, डेड है, स्टेबलिशन, कनेक्टेड एंड डोमिनेंट लेवल नेटवर्क। तो ये हमारे पास कुछ ट्रांजिशन फेसेस होती हैं, जैसे फर्स्ट वन डेड हो गया, स्टेबलिश करेगा कनेक्टेड, देन डोमिनेट हो गया, ऑथेंटिकेट क्लियर करना पे हुआ या नहीं हुआ। तो ये क्योंकि हमारे पास क्या था इसके अंदर फेसेस हैं जो हमारे पास एक ट्रिपल बी फॉर्मेट में होती है, क्या कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के अंदर फॉलो होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने किसी में कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ, कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ तो उसमें क्या होगा पहले ऑथेंटिकेट करेगा, अगर कनेक्शन फेल हो गया तो वो कौन सी पोजिशन में आएगा, डेड फेस में आएगा। डेड फेस का मतलब है अब उसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। देन वो क्या करेगा ऑथेंटिकेट करेगा, ऑथेंटिकेट होने के बाद वो किसके जाएगा नेटवर्क में, नेटवर्क के बाद वो जाएगा ओपन, यानी कि ओपन का मतलब है जो रिसीवर साइड है उसने अपने आप ओपन कर दिया, वो डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए क्या रेडी है। डेटा को एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास क्या होगा जब पूरा डेटा पहुंच जाएगा तो क्या करेंगे उसे टर्मिनेट, और टर्मिनेट करने के बाद फिर वो कौन सी फेस में आ जाएगा डेड फेस में, यानी कि जो दोनों डिवाइस है उनके बीच का कनेक्शन जो क्या होगा ब्रेक हो गया। और कनेक्शन ब्रेक होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो डेटा है वो कौन सी में पहुंच गया डेड फेस में पहुंच गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसके ट्रांजिशन के फेसेस होते हैं। अब हम देख लेते हैं वर्ड का क्या था, देखिए डेड है बेसिकली ये क्या होगा स्टार्ट होगा या फिर क्या होगा स्टॉप होगा, ठीक है। लिंक क्या है आप सबसे पहले क्या बनेंगे भेजेंगे क्या सबसे पहले उसको लिंक स्टैब्लिश करिए किसी के बीच में, और फाइनली हम जब हमारा काम हो जाता है तो उसे क्या करते हैं स्टॉप करते हैं। तो लिंकिंग की जो स्टार्टिंग का फेस है वो हमारे पास क्या होता है डेड फेस होता है, ठीक है। अगर हमारे पास किसी भी वजह से मॉडर्न की वजह से या लाइन ब्रेक की वजह से कोई भी डिस्कनेक्शन हो जाता है तो हमारा जो भी लिंक है वो कौन से फेस में पहुंच जाता है डेड फेस में पहुंच जाता है, यानी कि हमें वो दोबारा से क्या करना स्टार्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टैब्लिश। जनरली क्या होता है जब हमारे पास एक पेयर डिटेक्ट हो गया यानी कि मेरे को पता चल गया कि मुझे अपने पास नोड है उससे स्टार्ट करना है कम्युनिकेशन, मीन्स दोनों के बीच में एक कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट का फेस हो गया, कनेक्शन जो दोनों के बीच में क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया, और ये किसी वजह से होता है एलसीडी फेस को एक्सचेंज कर लेते हैं आपका, ठीक है। मीन्स आपके पास क्या है अब उसे ये पता है कि मेरे पास कनेक्शन आपको हो गया स्टैब्लिश, फेलियर नहीं है यानी कि वो डेड फेस में दोबारा नहीं जाएगा। स्टैब्लिश होने के बाद अब ऑथेंटिकेट करेगा कि अगर क्या वो उसको डेटा दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि जो लिंक होता है वो इनटू द ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल ऑफ नेटवर्क है, ऑथेंटिकेशन का मतलब हम वेरीफाई करेगा कि वो उसके लिए सुटेबल है या नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ कंपनीज होती हैं उनके अंदर फायरवॉल लगी होती है, वो बेसिकली ये चेक करती है कि वो सेंडर है वो ऑथेंटिकेटेड पर्सन है या नहीं है, कि जो मेल आ रही है वो ऑथेंटिकेट है या नहीं है। अगर वो ऑथेंटिकेट है तभी वो अपने नेटवर्क में भेजिए, अगर किसी मेल से नहीं भेजा तो डिस्कार्ड कर देते हैं। तो वही सेम चीज है हमारे पास। अब जब हमारे पास स्टैब्लिश हो गया तो अब आएगा ऑथेंटिकेट फेस। ऑथेंटिकेट का ऑप्शन होता है, ठीक है, या तो आपके पास दोनों ही एंड पॉइंट से होगा कि आप सेंडर को भी एक ऑथेंटिकेशन होगा कि वो भेजना चाहता हो और किसी को भी ऑथेंटिकेट करेगा कि हमें एक्सेप्ट करना चाहता हो। जब ऑथेंटिकेशन फेस में जाएगा तो हमारे पास दो चीजें होती है इसके अंदर, एक तो आता है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल और एक होता है हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। वो दोनों स्टेप कॉन्फिगर हो जाते हैं, दोनों में से कोई भी एक प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा तो दोनों ने एक दूसरे ऑथेंटिकेशन हो गया क्या, ठीक है, मैं मुझे आपसे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो सेंटर को सेंटिकेटर सेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास तीन चीजें होगी, डेड फेस तब तक जब तक स्टैब्लिश नहीं था कनेक्शन, डेड के बाद कनेक्शन मेरा स्टैब्लिश हो गया, स्टैब्लिश होने के बाद अब मेरे पास ऑथेंटिकेट हो गया, ऑथेंटिकेट होने के बाद अब हमारे पास इसका फंक्शन होगा नेटवर्क का, अब जो बेसिकली जो भी नेटवर्क है दोनों के वो ओपन हो जाएंगे यानी कि दोनों के दोनों नेटवर्क अपना डेटा एक्सेप्ट और सेंड करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो आपके पास है एक तरीके से दोनों कनेक्शन हमारे ओपन हो गए हैं, और आपके पास जब ओपन हो चुके हैं तो डेटा सेंडर सेंड करेगा और रिसीवर से क्या करेगा रिसीव करेगा, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास ओपन होता है, ओपन ट्रांसफर जनरली आपके डेटा का ट्रांसफर जो है वो स्पेस में होता है हमारे पास, ठीक है। जो आपके पास कनेक्शन होगा वो एक ओपन कम जब हो गया सारा डेटा आपका ट्रांसफर हो गया तो कौन से फेस में आएगा, टर्मिनेट फेस में। टर्मिनेट में आपके पास एट एनी पॉइंट भी हो सकता है और एक रिक्वेस्ट के बेस पर भी हो सकता है एंड पॉइंट से। मान लीजिए कि सेंडर सेंड कर रहा है, ठीक है, बट उसे लगता है मेरे पास कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वो एक रिसीवर को रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं कि मैं सेशन को टर्मिनेट करना चाह रहा हूँ क्योंकि डेटा मेरा एक्सेस नहीं हो पा रहा है, या कोई भी रीजन हो सकता है। मान लीजिए रिसीवर है, रिसीवर के पास कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक तो हमारे पास रिक्वेस्ट के बेस पर होता है। रिक्वेस्ट का मतलब है जो दोनों में से किसी एक साइड को या तो सेंडर को या तो रिसीवर को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। और दूसरा क्या होता है, कभी कभी क्या होता है हमारे नेटवर्क इश्यूज की वजह से लिंक क्या होते हैं टर्मिनेट हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास टर्मिनेशन होगा। अच्छा, टर्मिनेट हो गया नेटवर्क में तो इट मीन्स क्या आ गया हमारे पास, हमने ओपन की कनेक्शन, ओपन करने के बाद टर्मिनेट हो गया और टर्मिनेट होने के बाद वापस कौन सी फेज में पहुंच गया हमारे पास, डेड फेज में पहुंच गया, क्योंकि हमारे पास अब कोई भी डेटा उसके पास नहीं है सेंड करने के लिए, कनेक्शन दोनों के बीच का खत्म हो चुका है, तो वो फेज कौन सा होती है हमारे पास, डेड फेज होती है। तो बेसिकली जो सबसे पहले डेड हो गया, डेड का मतलब है आपका कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हुआ, आपने रिक्वेस्ट किया कनेक्शन को स्टैब्लिश कर दिया। स्टैब्लिश का मतलब ये होता है दोनों के बीच में कनेक्शन तो बन गया, नेक्स्ट वो कंटिन्यू करेगा कि उसने क्या किया, एक्सेप्ट किया या नहीं किया कि ठीक है। फिर मान लीजिए आपने क्या किया, पर्टिकुलर दोनों के बीच में बात तो हो गई लेकिन अब आपको करना चाहता है या वो आपको जानता है या नहीं जानता, ऑथेंटिकेट करेगा तो क्या ऑथेंटिकेशन फेस होगा। देन ऑथेंटिकेट के बाद नेटवर्क ही यानी कि आपका डेटा ऑथेंटिकेट हो गया, दोनों पार्टीज रेडी हो गई कि वो डेटा को सेंड करेंगी, तो उसमें क्या किया नेटवर्क में डाल दिया। नेटवर्क के बाद अब जब दोनों में डेटा सेंडर ने नेटवर्क में दे दिया तो ऑब्वियसली बात है जो रिसीवर डिवाइस है वो भी अपने आपको ओपन करके डेटा को एक्सेप्ट करेंगे, और जब हमारे पास डेटा एक्सेप्ट हो जाएगा तो जितना डेटा उसे सेंड करना है उतना डेटा वो सेंड कर देंगे और फाइनली हमारे पास क्या आएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा दोनों के एंड्स में, यानी अब उनके पास कोई डेटा सेंड करने के लिए नहीं है तो दोनों अपने जो कनेक्शन है उसे क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। टर्मिनेट का मतलब है वापस हम कौन सी पोजिशन पर पहुंचे, डेड फेस पर पहुंचे, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के लिए जितने भी फेसेस होते हैं ट्रांजिशन फेसेस। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। बेसिकली एचटीटीपी का प्रोटोकॉल होता है जो डिफरेंट कनेक्शन या लिंक होते हैं, जैसे आपके पास कभी कभी ऐसा होता है जो डिफरेंट कनेक्शन या जो लिंक्स होते हैं कोई फ्रेमिंग प्रोवाइड नहीं करते, वहां पर हम एक एचटीटीपी का प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है वो यूज करते हैं। जनरली टीटीपी जो होता है हमारे पास वो एक एस्टैब्लिश भी करता है, ऑथेंटिकेट भी करता है, नेटवर्क डेटा लेयर को भी लेकर के आता है, तो एक सिंगल प्रोटोकॉल तो ये नहीं हुआ, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं पॉइंट टू पॉइंट के, ठीक है। जैसे बेसिकली टू राउटर्स हम इसमें यूज करते हैं, एक तो इनिशिएटर जो मेरे क्लाइंट के होते हैं और एक रिस्पॉन्डर जो उसके होते हैं आपके सर्वर के, ठीक है। ट्रिपल बिट में प्रोटोकॉल सुनने गया जैसे सीसीपी आ गया, टीसीपी आ गया, एनसीपी, बीसीपी, पीएटी, सीएचटीपी, तो बेसिकली एक प्रोटोकॉल नहीं होता, एक कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे पास इसके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो जो हमारा ट्रिपल बिट ऑपरेशन है वो थ्री डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं उनसे बनकर के बना होता है। फर्स्ट वन होता है लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। लिंक कंट्रोल का नाम है लिंक, यानी कि लिंक को कंट्रोल करेगा, ये क्या करेगा, एस्टैब्लिश करेगा, मेंटेन करेगा, टेस्ट करेगा और टर्मिनेट करेगा फिजिकल कनेक्शन, ठीक। ये वर्क करता है बेसिकली टॉप लेयर का, ठीक। दूसरा जनरली इसमें क्या होता है कि नेगोशिएशन होता है, जो आपके डेटा होते हैं वो पैकेट्स के फॉर्म में, जो एलसीए पैकेट्स होते हैं वो डेटा फ्रेम में डिपार्टमेंट फ्रेम में लेकर के जाता है। एलसीए प्रोटोकॉल्स में हमारे बहुत तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन होता है बैंडविड्थ एलोकेशन प्रोटोकॉल। बेसिकली बैंडविड्थ प्रोटोकॉल जो है यहाँ पे एक मैकेनिज्म है जहाँ पर कोई भी डिवाइस जो है वो मल्टी कम्युनिकेट करेगी, ठीक है। मींस मल्टीलिंक का मतलब है बंडल ऑफ लेयर्स है जहाँ पर उसे क्या करना है, लिंक करना है, ठीक है। उसमें क्या करता है, जो एक लिंक है वो रिक्वेस्ट करता है दैट एन इंडिविजुअल लिंक नीड्स टू बी एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम द बैंड, यानी कि आपके कुछ भी आदमी कुछ भी बंडल्स से रिमूव भी कर सकते हो और उसमें लिंक एड भी कर सकते हो। नेक्स्ट में आते हैं हमारे पास बैंडविड्थ एलोकेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये बेसिकली ये क्या करता है, उन डिवाइसेस को अलाउ करता है और कॉन्फिगर करता है कि जो आपका बीएपी को यूज करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है लिंक मॉनिटरिंग मॉड्यूल। बेसिकली क्या है, जो लॉस ऑफ डेटा है उसको मॉनिटरिंग करने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए हमें एनवीपी की जरूरत पड़ती है। कि क्वालिटी का मतलब क्या है, जो डेटा भेज रहे हैं वो उसको एग्जिट मिले, उसमें कोई लॉस ना हो, डेटा बैकफिट ना हो, वो कौन देखता है हमारा लिंक क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम।
जनरली आपको क्या लगता है लिंक क्वालिटी जो रिपोर्ट है हमारे पास एक होता है लिंक क्वालिटी मॉनिटरिंग और एक होता है लिंक क्वालिटी रिपोर्टिंग जो बेसिकली क्या करता है जो क्वालिटी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है उसे फॉलो करता है बट इसका कोई डिपेंड करता है कि कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता कोई डिपेंडेंसी नहीं होती ये डिपेंड करता है अपने अकॉर्डिंग को किस तरीके से उसे देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। देखिए लिंक का काम था लिंक को कंट्रोल करेगा नेटवर्क है तो नेटवर्क को कंट्रोल करेगा ये हमारा क्या नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। चलो ये नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स के ऊपर बेस्ड होता है लेयर थर्ड पर अनलॉक करता है आपका ठीक है। जनरली हमने मान के चलते हैं 1 MCP जो होता है हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट होता है जो कि आपके पास हायर लेवल को जो भी सपोर्ट करता है हमारा कौन सा ट्रिपल पी। तो बेसिकली सबसे पहले आता है कंप्लीशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या करता है जो डिसेबलिंग है कंट्रोलिंग है आपका इनेबल करना है किसी भी चीज को डेटा का कंप्लीशन है तो आता है उसे मैनेज करना है ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है कि आप राउटिंग के जरिए ही क्या करते हैं हमारे पास एक नेक्स्ट आता है हमारे पास BCP ब्रिजिंग कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका काम क्या करता है कि जो आपको मॉड्यूल्स करता है दोनों को कि IPC को आता है राउटिंग यानी कि राउटिंग का काम नहीं करेगा सिर्फ ब्रिजिंग का काम करेगा। जैसे कि दो रिवर्स दो जगह है आपके पास उनके बीच में अगर रिवर है तो आपने उसको क्या किया ब्रिज बना दिया। ब्रिज का मतलब क्या वो जो गैप है उसको क्या किया उसको कवर अप कर दिया लेकिन ये राउटिंग की तरह काम नहीं करता ये एज अ ब्रिज काम करता है आपका। नेक्स्ट होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका जो बेसिकली है ये आपके पास जो मेन काम होता है इसका जो आपके पास जितना भी राउटर्स होता है IPC को जो होता है जो भी आपके पास स्पेसिफिक इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है उसके अकॉर्डिंग उसे क्या करेगा एक्सचेंज करता है हमारे पास। नेक्स्ट होता है एन्क्रिप्शन। एन्क्रिप्शन का मतलब वही है कि जो डेटा हमने कंप्रेस किया है एन्क्रिप्ट किया है उसको एन्क्रिप्ट करेगा और जिससे कि हमारे पास जो भी डेटा जिस फॉर्म में आना है उस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि जो पर्सन भेज रहा है वो वैलिडेट है या नहीं है या उसे यूजर जो है रिसोर्सेज के लिए एक्सेस करना चाहता है बस रिसोर्सेज के लिए एक्सेसिबल है या नहीं है ठीक है। कुछ हमारे पास ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं फर्स्ट वन आता है EAP एक्सचेंजेबल। देखिए जब बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं बट जनरली क्या होता है जो बाई डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स होता है जो कि क्लाइंट उसे इनिशिएट करता है वो कौन सा होता है एक्सचेंजेबल ठीक है। बेसिकली ये इनिशिएट होता है सर्विसिंग या आपको जो बेसिकली सपोर्ट करता है आपका वो एक बहुत सारे ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं जिन्हें सपोर्ट करता है आपके बेसिकली हमारे पास या तो बहुत सारे ऑथेंटिकेटेड प्रोटोकॉल्स बट EAP जो होता है वो हमेशा सर्वर जो होता है उसे इनिशिएट करता है इसके थ्रू सर्वर के थ्रू इनिशिएट किया जाता है और इसे क्या करता है ऑथेंटिकेशन होता है सर्वर के थ्रू यानी कि क्या जब आप कोई भी लॉगिन आईडी या पासवर्ड डालते हैं तो सबसे पहले ऑथेंटिकेट करता है कि आप वैलिड यूजर हैं या नहीं तो वही सेम चीज हमारे पास होता है ऑथेंटिकेटेड प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट होता है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। पासवर्ड में आपको पता है कि जब भी जनरली क्या होता है जब हम एग्जिट पासवर्ड डालते हैं मान लीजिए आपको किसी सर्वर से डेटा को लेना है डेटा को एक्सेस करना है तो आप क्या करते हैं वहाँ पे एक पासवर्ड आता है आपके पास जैसे आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है तो उस पासवर्ड से ऑथेंटिकेट करते हैं कि हमारे पास आप ठीक है ये बस यही है और अगर उसको पासवर्ड अगर आपके मान लीजिए गलत है तो वो आपको अलाउ नहीं करता कि आप उस डेटा बेस को एक्सेस कर पाए तो नेक्स्ट यही है हमारे पास पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ ट्रिपल्टी देते हैं कुछ पासवर्ड है कुछ बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट यही होता है कि जब भी हम किसी सर्वर से डेटा को एक्सेस करेंगे तो उस डेटा की एक्सेसिबल हमें तभी होगी जब हम ऑथेंटिकेटेड पर्सन होंगे। हमारे पास जैसे जनरली हमारे पास ID होते हैं पासवर्ड होते हैं तो अगर ID हमें सही डाली गई तो जब तक आप पासवर्ड उसको सही नहीं करेंगे तब तक आप उसे डेटा को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है हमारे पास ट्रिपल्टी फॉर्म होते हैं। इसको पढ़ लीजिएगा कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में डिस्कस।